पितामह जी की समाधि, तो इसी जगह पर भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने बाण मार के पानी पिलाया था और एक महीना 26 दिन ये बाणों की शैया पर लेटे रहे थे, यानी कि 56 दिन ये बाणों की शैया पर लेटे रहे थे क्योंकि इनको मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह जी को। और हेलो गाइस, नमस्ते और स्वागत है आपको सकल द यूट्यूब चैनल में। और मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ दोस्त, और मेरा रोहित प्रेम भी बहुत ही फिट फाट है, और आशा करते कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और गैज आइए मैं आपको ले चलता हूँ हरियाणा राज्य जो कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आते हैं, ये नरकटारी गांव। और वहाँ नरकटारी गांव में जो प्रवेश द्वार महाभारत युद्ध भूमि श्री भीष्म पितामह का मंदिर है, जो गैज मैं आपको उस स्थान में दिखा जो भीष्म पितामह जी को तीरों की मान लगी थी, मैं उस मंदिर में आपको लेकर के आया हूँ। और चलिए हमें कम द्वार पे अभी मैं खड़ा हूँ, मैं जी उतारूंगा उसके बाद दर्शन करूंगा। यस गाइस, ठीक है। और गाइस मैं आपको ले चलता हूँ जो अर्जुन के बाणों के द्वारा ये गंगा माँ का खुद प्रकट हुई थी, जो भीष्म पितामह जी का प्यास बुझाने के लिए। और लगातार दस दिन तक जब युद्ध होती रही और भीष्म पितामह बाणों से छल होकर के गिरे तो कौरों ने पानी लेकर आया और इन्हें प्यास बुझाने कोशिश की, तो भीष्म पितामह ने डायरेक्ट सीधे इनकार कर दिया, मुझे अर्जुन के हाथों से पानी पीनी है। तो अर्जुन ने वहां पधारे और आकर के बाणों से मार कर ये गंगा माँ जो आप देख रहे हैं जल, गंगा माँ का वहाँ से उत्पत्ति हुई और उनके मुख में प्यास बुझाए। और उसके बाद भीष्म पितामह ने पूछे श्री कृष्ण भगवान को बुलाने को बोला गया, और श्री कृष्ण जी वहाँ पर पहुँचे और पूछे कि भगवान आपने मुझे किस जन्म का इस तरह सा बदला लिया है, मुझे बाणों में लेटना पड़ा, इसका क्या कारण है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि आपका 101 जन्म हुई है, जिसमें आप एक जन्म में कोई सांप को पकड़कर आप कांटे में फेंक दिए थे, उसी का श्राप लगा हुआ है। और इस प्रकार भीष्म पितामह जी को बाणों की छली लगा और यही वो साक्षात पौंड भी है यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र भूमि की स्थान में, जो अभी भी लोग यहाँ देखने का आते हैं भीष्म पितामह माँ की। Gracias.
और गैच मैं अभी कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के जो पावन स्थल उस पर पहुँच चुका हूँ और मैं यहाँ के बाबा से जानकारी लेना चाहता हूँ। बाबा आप बताइए थोड़ा इस पवित्र स्थल के बारे में। तो अभी आप जहाँ पे अभी आप खड़े हो ये ओरिजिनल टेम्पल भीष्म पितामह जी की समाधि, तो इसी जगह पर भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने बाण मार के पानी पिलाया था और एक महीना 26 दिन ये बाणों की शैया पर लेटे रहे थे, यानी कि 56 दिन ये बाणों की शैया पर लेटे रहे थे क्योंकि इनको मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का वरदान, भीष्म मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह जी को। जो बाहर बना हुआ है पानी वाला कुंड, वहां पे अर्जुन ने बाण मारा था और गंगा जल धारा यहाँ पर कट हुई थी इनके मुख के पास, इसी को जाना जाता है बाण गंगा के नाम से और इसी को भीष्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे मंदिर में आके इस समाधि के दर्शन नहीं कर पाता है तो उनकी यात्रा नहीं लगती, क्योंकि इस मंदिर के बाहर जो भी कुछ बनाया हुआ है बाद में बनाया हुआ है, ये इनकी ओरिजिनल समाधि ओरिजिनल टेम्पल। तो अंदर जो इनका परिवार था, इनकी फैमिली थी, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, गंगा माता, नकुल, सहदेव, कृष्ण और अर्जुन, जो साइड में बैठी है वो है गंगा माता जी, गंगा माता जी के पुत्र थे भीष्म पितामह जी, तो इसी को जाना जाता है बाण गंगा के नाम से ओरिजिनल टेम्पल प्राचीन समाधि। तो इतना ही बता पाऊंगा कि कोई भी मतलब इतनी दूर दूर से आते हैं पूरे ऑल वर्ल्ड में पूरे भारत में, तो इसी समाधि इनकी पूरी फेमस है, इसके दर्शन करने के लिए और इसी को देखने के लिए स्पेशल बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। जैसा कि आप यहाँ के बाबा के द्वारा समक्ष जानकारी दिए भीष्म पितामह स्थल का, और गैच में श्री तारकेश्वर महामंदिर शिवलिंग का भी आप सभी को दर्शन कराता हूं, जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग की स्थापित यहाँ हुई है जो भीष्म पितामह के और जय मां काली। और मैं फिर से आपको महाभारत युद्ध भूमि भीष्म बाण शैया मंदिर में आपको स्वागत करता हूं, जो श्री भीष्म द्वार में श्री महंत राम दास जी और इधर श्री गंगा माता प्राचीन मंदिर श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह वान सेया पड़ा पांडव मंदिर नरकतारे कुरुक्षेत्र जो मैं आपको देखा गाइस। और समस्त यहाँ की तस्वीरें मैंने आप सभी को दिखा दिया, जो आप सभी एक मरतब इस नर कतारे में आ जाए। और भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त करने का पश्चात में राजधर्म भीष्म पितामह प्रवचन पूरे काव्य का एक अमूल्य भाग या ज्ञान राजा के रूप में युधिष्ठिर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन के लिए गीता का उपदेश युधिष्ठिर ने अनुरोध पर भीष्म से इसी वचन और दौरान विष्णु संग्राम